नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। पायलट की फ्लाइट कांग्रेस के रनवे पर वापस लैंड कराने में जुटी प्रियंका, देखते हैं कहां लैंड करेगी फ्लाइट। जबकि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में जुटा पूरा दल। चंडीगढ़ में कर्फ्यू को लेकर फैसला बुधवार को, बॉर्डर एरिया पर सख्ती बरतने के निर्देश। डिजिटल भारत के लिए गूगल करेगा 75,000 करोड़ का निवेश। कोरोना के खिलाफ पंजाब सरकार ने सभी सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल 32 के गार्ड की हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार, परिजनों का हंगामा, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। CBSE ने 12वीं का रिजल्ट घोषित किया, पिछले साल से 5% ज्यादा रहा इस साल का रिजल्ट, लड़कियों ने मारी बाजी। मोहाली जिले में सोमवार को कोरोना विस्फोट, 31 नए मामले। 20 जून को हर किसान का ट्रैक्टर सड़क पर होगा, काले झंडे लगाकर करेंगे विरोध। नौकरी के से बर्खास्त PTI शिक्षकों ने गन्नौर रेलवे रोड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पानीपत तेज रफ्तार का कहर, बच्चा गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस से रूठे हुए सचिन पायलट राहुल गांधी के खास दोस्त माने जाते हैं। सचिन पायलट को मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को मिली है। इस विवाद को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी खुद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और CM गहलोत से बात कर रही हैं। गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए गूगल अगले 5-10 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। गूगल का यह निवेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इंडस्ट्री में होगा। COVID-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए पंजाब सरकार ने सभी सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जबकि सामाजिक समारोह को 5 और विवाह या अन्य सामाजिक कार्यों को वर्तमान 50 के बजाय 30 तक सीमित कर दिया गया है। GMCH 32 के इमरजेंसी में घायल युवक के साथ ज्यादा लोगों को अंदर जाने से रोकने पर 4 लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। मोहाली जिला में सोमवार को 32 नए मामले सामने आए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर मंजीत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 423 पहुंच चुकी है, जबकि 271 लोग तंदुरुस्त हो चुके हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 145 एक्टिव मरीज हैं। बाबेन के मार्केटिंग कमेटी कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाकियों के प्रदेशाध्यक्ष गुनान सिंह ने मूल रूप से शिरकत की। इस बैठक में भाकियों के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देखिए, अभी सरकार ने जो 3 अध्यादेश पास किए हैं, उनमें एक तो व्यापारियों को छूट दी है कि वो कहीं से भी माल खरीद सकते हैं, मंडी से खरीदना जरूरी नहीं है, और जब बाहर से वो खरीदेंगे तो उनको 6.5% का टैक्स बचेगा, और जब उनको 6.5% का टैक्स बचेगा, जो जिससे किसानों की सड़कें बनती थी, जिससे मंडियां बनती थी, तो वो टैक्स बचेगा, तो फिर वो मंडी से नहीं खरीदेगा, वो बाहर से खरीदेगा, और मंडियां टूट जाएंगी। और वैसे भी सरकार ने तोड़ने का प्लान बना लिया है, सारे मंडी बोर्ड तोड़ दिए गए हैं, जो कमेटियां थी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं, जो इनका सड़क बनाने वाला महकमा था वो तोड़ दिया गया है। सोमवार को PTI अध्यापकों ने सोनीपत जिला के गन्नौर रेलवे रोड से होते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही हल्का विधायक को अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा। गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमें अपना अधिकार दें, क्योंकि हम निर्दोष हैं, हमने कोई कसूर नहीं किया है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट पूरे पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें, जबकि ये बोला गया है कि इनमें से एक भी PTI फॉल्टी नहीं है, उसके बावजूद हमारे साथ निर्दोष होते हुए हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है कि भरी धूप में महिलाएँ रोड पर आई हुई है, जहाँ सरकार ये दावा कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान चलाए हुए हैं, वहाँ की बेटियाँ, हरियाणा की बेटियाँ रोड पर चली हुई है। मैं बताना चाहूँगी आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगी कि शायद झांसी की रानियों से कभी रूबरू होने का मौका नहीं मिला है।
पानीपत में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पानीपत के भोला चौक का है, जहां तेज रफ्तार एक बाइक सवार ने घर के बाहर खेल रहे 2.5 साल के बच्चे को सीधी टक्कर मार दी, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को परिजनों ने आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। ये कल है ना 12/7/2020 को समय करीब 4:20 पे ना एक बाइक सवार आया, विजयनगर अंदर की तरफ से आया और बारपुर चौक की तरफ जा रहा था। बड़ी तेज रफ्तार से आया और एक बच्चा गली में निकल रहा था, उसको उसने सीधी टक्कर मारी, जिससे उसका ना एक्सीडेंट होने से मौत हो गई। लाश सरकारी हॉस्पिटल पानीपत रखी है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जय सूरत और कार्रवाई उन्होंने लग जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।